हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। हम हमारा आज का डेली नॉलेज बाइट्स का सेशन शुरू करें। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम हर रोज़ आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि वन लाइनर्स के फॉर्म में होते हैं और ये पूरी तरीके से हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स पे ओरिएंटेड है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं वो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए और आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि आपको जो भी हमारे नए वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ऑल्दो ये आंसर बहुत इजी है, आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, पर जब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत लोग इसका आंसर प्रधानमंत्री लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के बाद। तो प्रधानमंत्री केवल सलाह देता है, पर पूरी मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए मंत्रिपरिषद का हर एक मंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर उसे नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो अब राष्ट्रपति को ही देगा। तो मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना पद त्याग संबोधित राष्ट्रपति को करता है। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मेहरौली, तो मैं आपको मेहरौली के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी थी यानी कि गुलाम वंश था, उसका जो तीसरा राजा था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का मकबरा मेहरौली में बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेहरौली कहाँ पर है, तो मेहरौली नई दिल्ली में है और मेहरौली लौह स्तंभ वो भी नई दिल्ली में है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मेहरौली में इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कैंडी में स्थित है। अब आप सभी को एक काम करना है, वो ये कि आपको पता लगाना है कि कैंडी कहाँ पर है, कैंडी कहाँ पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? आप सभी को पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाने वाला पहला सत्याग्रह माना गया है। तो उस सत्याग्रह में महात्मा गांधी अकेले नहीं थे, उनके साथ जिन लोगों ने इसमें उनकी सहायता करी थी वो थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह है और चंपारण से कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो था महात्मा गांधी। उसके साथ ही चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो वो चलाया गया था 1917 में और ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला पहला सत्याग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो क्वेश्चन क्या है कि 1957 में कौन सी समिति थी जिसने भारत में थ्री टायर सिस्टम यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सबसे पहली बार सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी जो सिफारिश है वो कब दी थी, वो 1957 में दी थी। तो आपको ये ईयर भी याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ 1957। तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला
राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को हजार झील की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार झील की भूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड। तो फिनलैंड को हजार झील की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं कपिल देव। तो कपिल देव के द्वारा क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल और रुस्का ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? क्वेश्चन क्या है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है तृतीय, यानी कि सेकंड फाइव ईयर प्लान में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो देखिए ये फाइव ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि फाइव ईयर प्लान पे हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको पूरे फाइव ईयर प्लान्स के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पता चले, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आप सभी चाहेंगे और हमारे पास पॉजिटिव कमेंट आएंगे उसके लिए कि आप सभी फाइव ईयर प्लान्स पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है, ये उसका कौन सा अधिकार है? हम सभी ने पॉलिटी पढ़ी है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका नॉलेज भी होगा। उसमें हमें पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये उसका कौन सा अधिकार है, कौन से अधिकार के चलते ये उच्चतम न्यायालय इन विवादों का निपटारा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय का ये एक मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवाद को सुलझाने का अधिकार रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी है और आप सभी को पहले से ही पता होगा, पर ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार पूछा गया है तो इसे इंसर्ट करना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24 तीर्थांकरों में से अंतिम कौन से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है महावीर। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थांकरण हुए हैं जिसमें से पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम थे महावीर। नेक्स्ट, शोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? शोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है देश का जहाँ पे इसकी राजभाषा अंग्रेजी है, जो कि हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए नेक्स्ट, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माध्वाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है थार मरुस्थल, यानी कि थार डेजर्ट में भारत के छत्रक शैल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, और इसमें अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, यानी कि ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया, किसने स्पष्ट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुकोम सत्याग्रह 1924
में कहाँ चलाया गया था? तो वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में केरल में चलाया गया था। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके पास ही बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें। इसे बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।